टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबर रीवा जिले से है, जहां प्यार का परवान इस कदर चढ़ गया कि समाज के बंधन को तोड़कर भोपाल से रीवा शादी करने पहुंचे प्रेमी युगल को पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें, भोपाल के ऐश बाग के युवक समाज के बंधन और नियमों को तोड़ते हुए शादी करने का फैसला किए थे, लेकिन शादी में युवती के परिजन रोड़ा बन रहे थे, क्योंकि युवक मुस्लिम समाज का है और युवती हिंदू समाज के ब्राह्मण परिवार की है, जिसकी वजह से शादी संभव हो पाना नामुमकिन था। इसलिए युवक युवती ने भोपाल से विंध्य क्षेत्र के रीवा में कदम रखा और युवक युवती एक दूसरे का जीवन भर साथ देने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर शादी के लिए रीवा कोर्ट पहुंच गए, जहां युवक युवती शादी करने के लिए पेपर तैयार करवाने लगे। उन्हें क्या पता था कि न्यायालय परिसर में शादी करने के लिए जाति और समाज के लोग रोड़ा बन जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही शादी के लिए युवक युवती अपना नाम बताने लगे, तो अधिवक्ताओं ने शादी का विरोध करते हुए इस मामले को संबंधित थाना सिविल लाइन के पुलिस को अवगत कराया। वहीं पुलिस को आता देख युवक मौके से फरार हो गया। युवक मौका पाकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को थाने लाकर पूछताछ शुरू की। वहीं इस मामले की सूचना पाकर सिविल लाइन थाने बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि युवक और युवती का घर भोपाल के ऐशबाग में है। युवती के पिता सब्जी मंडी में काम करते हैं और युवक ड्राइविंग का काम करता है। युवक युवती दोनों घर पे एक दूसरे के अगल बगल में रहते थे। आपको बता दें, युवक और युवती 6 साल से लिविंग रिलेशन में है और मुस्लिम समाज का युवक है जो इसको बरगला कर बहला फुसला कर रीवा शादी करने के लिए लेकर आया है। यह लव जिहाद का मामला लगता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सामने आएगा कि मामला आखिर क्या है। आज एक युवती के विवाह की सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर में हो रहा है और उसमें कुछ संगठनों द्वारा बताया गया कि ये अवैधानिक तरीके से हो रहा है। वहाँ पे जैसे ही पुलिस पहुँची तो युवक फरार हो गया। युवती यहाँ थाने पर उपस्थित हुई, उसकी पूछताछ जो है महिला अधिकारी द्वारा की जा रही है। और जब उसकी पूछताछ से पता चला कि इसकी गुमशुदगी भोपाल में कायम है, वहाँ की टीम को सूचना दे दी गई है, वहाँ की टीम आ रही है। चूँकि मामला वहाँ पंजीबद्ध है, तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी और लड़की को वन स्टाफ सेंटर भेजा जा रहा है। ये जांच का विषय है, महिला अधिकारी जब इसे पूछताछ कर लेंगी तब क्लियर होगा। ये जांच का विषय है, ये पूरा जांच के बाद ही आएगा, आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद विभाग संयोजित लव जिहाद का मामला, एक्चुअली ये भोपाल से हैं दोनों लोग, ऐशबाग से अपना एड्रेस बता रहे हैं और 4-5 महीने से फरार हैं, ऐसा वहाँ के थाने से अभी रिपोर्ट यहाँ TI साहब ने बताया कि ऐसी आई है कि इनका लड़की का 4 महीना पहले वहाँ पे FIR दर्ज किया गया था। एक्चुअली यहाँ पे ये आए तो अधिवक्ता के यहाँ पे एफिडेविट बनवा रहे थे कि हम विवाह करना चाह रहे हैं, तो नाम चूँकि लड़की का हिंदू लड़के का मुस्लिम निकला, तो थोड़ा सा संदिग्ध के एरिया में आए, तो जब ऐसा हुआ तो इनके बारे में पूछताछ की गई तो लड़का वहीं से फरार हो गया। लड़की को लेकर के थाने आया गया, उनके बारे में सब कुछ पूछा गया, जानकारी ली गई। लड़की ग्रेजुएट है, अभी पढ़ रही है, लड़की BCOM सेकेंड ईयर में है, लड़का 10वीं फेल है, ऐशबाग का लड़का है। और ये लड़की से पता चला कि इन लोगों का रिलेशन लगभग 5-6 वर्षों से चल रहा है और इनको समझाने के बाद भी पता चल रहा है कि ऐसा इनका इस लड़की का माइंड वॉश किया गया है कि ये अपने घर जाने के लिए एग्री नहीं है। लड़की घर से कब निकली थी? 3-4 महीना पहले निकली है। अब रीवा क्यों आई है, कहीं ना कहीं से इसको कोई ना कोई संरक्षण दे रहा है। रीवा ही क्यों आई है, यहाँ ही क्यों विवाह करना चाह रही है, कहीं ना कहीं से गुप्त रूप से इसका कोई साथ दे रहा है, लड़के का साथ दे रहे हैं। लड़की से हमने पूछा, विवाह के लिए दोनों तरफ से दो दो गवाह होने चाहिए, आपका गवाह कौन है? तो इनकार कर दिया कि भाई हमारे पास कोई गवाह नहीं है। लड़के के साइड से बहुत सारे गवाह बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको लव जिहाद के तहत ही इस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। भोपाल में कहाँ के रहने वाली है? ऐशबाग। युवक का नाम क्या है? फराज खान है, लड़के का नाम है, ड्राइविंग का काम करता है। और यहाँ पूछताछ पे पता चला कि वो किसी लोहा की दुकान में गया है, तो सही जानकारी भी नहीं दे पा रही। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का हम लोग चाहते हैं? हमारे हिंदू समाज की लड़की का घर वापसी हो, लव जिहाद पे कार्यवाही हो, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जाए।
बार बार ये घटना हो रही है, हमारे हिंदू लड़कियों पर ये प्रहार किया जा रहा है, तो उसको हमें हिंदू लड़कियों को जागृत किया जाए, हिंदू लड़कियों को बचाया जाए और संरक्षण देने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम आपका? रेखा नामदेव, विश्व हिंदू परिषद विभाग संयोजिका।